इसलिए वाहन चलाते समय बात चलाने मोबाइल पर बैठे मोबाइल को लेकर भागते बात नहीं है। वाहन चलाने के लिए इस वाहन का ध्यान रखना है और आप लोग से अपनी रिजर्व कभी काम का बाहर साल से न हो गया है कोई 14 साल 15 साल के 25 साल ये वर्णन करते हैं और इस मजदूरी को हमारी खरीद की गई स्थिति चंडीगा अन्य चलते हुए जो है कहना पड़ता है बहाना करेंगे ना कि हमें चक्कर आता है जो है हेलमेट लगाने से कोई चक्कर नहीं आता है झूठ बोलते उनको लगाना नहीं चाहते दुपहिया का वाहन पर सबसे ज्यादा जो है हेलमेट इंपॉर्टेंट है आपकी सबसे सेफ करता है। एक्सीडेंट होने में आदमी जब गिरता तो सभी हाथ आपको हैंडल पकड़ा रहता है सही जमीन पर टकराता है ऐसी बात हेड इंजरी होती है सर में चोट लग गई उसी में पता लगा कोई कोमा में चला गया याददाश्त चली गई है महीने दिन एडमिट है बेहोश है इसीलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाया गया है फोर व्हीलर में सीट बेल्ट पुलिस के लिए थोड़ा बनाया तो आपकी सुरक्षा के लिए बना है आप लगाएंगे उसको यूज करेंगे तो आप सेफ रहेंगे आपका परिवार सेफ रहेगा इसलिए सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग सीट बेल्ट का प्रयोग चार पहिया चलाते समय और मोबाइल का यूज करते ही नहीं बात करते समय और रियल लाइफ रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है जो टीवी में फिल्मों में जो दिखाई देता है वो एक्टर दिखाते हैं सब सावधानी हटी दुर्घटना घटी तमाम जगह स्लोगन आपने देखे होंगे देखा है दुर्घटना से देर भली इसका आशय यह है इतना से सड़क पार करिए गाड़ी चलाते समय थोड़ा धीरे ही चले जो है 10 मिनट विलंब ही सही जो है। अभी 3 दिन पहले एक जो लड़का बाइक चला रहा था हेलमेट नहीं लगाया था ड्रिंक किए हुए था आगे जाकर के केशव पट्टी पर एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी को ठोकर मार दिया उसका पैर टूट गया इसके सर पर चोट आ गई फैमिली बैठा लिए हम दो हमारे दो तीनों जो है सब बैठ गए आगे टंकी तक पीछे लटक लिए अब कोई घटना होगी तो पूरा परिवार साफ हो जाता है ये अच्छी बात नहीं है उसी में तो झोला भी लटका लेंगे आगे पीछे जो चले जा रहे हैं ये गलत बात है हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं ऐसे तो हम तो ही जाएंगे कोई घटना होगी तो बाकी तो सेफ रहेंगे लेकिन जब आपने पूरी परिवार ही उसे बैठा लिया अगर दुर्घटना हुई तो पूरा परिवार साफ तमाम पेपर में मीडिया कि अंकल दो ही चलेंगे पापा दो ही हम लोग चलेंगे ये गलत है आप नियम जानेंगे तो आप ही इसको आगे बताएंगे सबको जो है जो अनपढ़ है उनको आप बताइए जो पढ़े लिखे नहीं उनको आप जागरूक करिए ये जागरूकता अभियान जो स्कूल कॉलेजों के कराने का मकसद सरकार का यही है कि हमारे जो विद्यार्थी जागरूक होंगे तो ये बात समाज में काफी दूर तक लोगों तक पहुंचे करीब तक पहुंचेगी इसलिए आप लोग यातायात के नियमों का पालन करें लोगों को बताएं जागरूक करें और आजकल पहले घर परिवार में सब लोग एक पास बैठते थे खाना बैठना उठना अब एक मोबाइल ऐसा चल गया है सबके पास मोबाइल है घर में दो बच्चे दो जगह बैठे मम्मी पापा कहीं और बैठे हैं कोई किसी से बात ही नहीं करता कोई किसी को समय नहीं देता है हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं जो हमारे संस्कार भूलते जा रहे हैं जो है जैसा आदमी करता वैसा ही भरता जो है आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा आने वाली पीढ़ी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी आप मिसबिहेव करेंगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा जो इस नाते अपने गुरुजनों का माता पिता का बड़ों का सबका आदर सम्मान करें और अपना एक उद्देश्य रखें पढ़ने का कुछ बनने का
Yeah.